नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। आईपीएल 14 के दूसरे चरण में इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ चल रहा है, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ओयन मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। बात करें मुकाबले की तो मुंबई इंडियंस ने पहले 6 ओवर्स में कोलकाता की हालत खराब कर दी है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से आज कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है। मुंबई के लिए दोनों ही सलामी खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत लगा करके दी है। आज दोनों ही खिलाड़ी रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक ने तूफानी पारी खेलते हुए पहले पावर प्ले में बिना कोई विकेट गवाए 56 रन्स जोड़ लिए हैं। दिलचस्प बात ये है कि इस पावर प्ले में दोनों ही खिलाड़ियों ने 27-27 रन जोड़े हैं। बता दें कि पहले 2 ओवर्स में मुंबई इंडियंस ने मात्र 9 ही रन्स बनाए थे, मगर उसके बाद अगले 4 ओवर्स में मुंबई इंडियंस ने 47 रन जोड़े, जिसकी वजह से टीम बिना किसी नुकसान के पावर प्ले में बड़े स्कोर खड़ा कर पाई। आज कोलकाता के कप्तान ओयन मॉर्गन की कप्तानी ने थोड़ा हैरान किया, जब उन्होंने पहला ओवर नीतीश राणा से करवाया और उसके बाद लगातार उन्होंने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए पहले पावर प्ले में 5 गेंदबाजों का चुनाव किया, जिसका खामियाजा उन्हें काफी रन्स खर्च करके भुगतना पड़ा। बता दें कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने केकेआर के विरुद्ध अपने आईपीएल करियर के 1000 रन्स पूरे कर लिए हैं और पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में किसी टीम के विरुद्ध 1000 रन्स बनाए हो। अब देखना होगा कि कोलकाता मैच में किस तरह से वापसी कर पाती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।